केलांचल टाइम, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, स्वागत है आपका केलांचल टाइम्स में। मैं हूँ आपके साथ वंदना। ग्राम पंचायत को कुछ अधिकार मिले हैं जिससे गांव का विकास हो सकता है और ग्राम पंचायत का चुनाव होने वाला है। कहा जाता है कि लोकतंत्र में सबसे ज्यादा मुश्किल ग्राम पंचायत चुनाव ही है, क्योंकि क्षेत्रफल होते हैं कम और विरोधी होते हैं अपने ही। तो आइए देखते हैं खास पेशकश गांव की सरकार का। पंचायती राज की सबसे ऊपरी संस्था जिला परिषद है। जिला परिषद ग्राम पंचायत को मूलतः नीति निर्धारण एवं मार्गदर्शन का काम करती है और यही जिला परिषद चुनाव होने वाला है, जिसके सिलसिले में इस वक्त हम हैं क्षेत्र संख्या 031 सनहौला पश्चिम में, जहां हमारे संवाददाता से बातचीत हो रही है भावी जिला परिषद प्रत्याशी पुटेश पासवान से। तो आइए देखते हैं कि पुटेश पासवान इस चुनाव को लेकर क्या विचार है और क्या योजना उन्होंने बनाई है। देखते हैं इस खास रिपोर्ट। आपके चुनाव लड़ने का क्या उद्देश्य है? चुनाव लड़ने का उद्देश्य यही है कि क्षेत्र का विकास, जनता का सेवा। आपके क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हैं? हमारे क्षेत्र में स्कूल का, स्कूल हुआ, हॉस्पिटल हुआ, कुआं हुआ, नाला हुआ, ये सब का विकास नहीं हो पाया। सड़क की समस्या, सड़क का समस्या यह है। शिक्षा की कमी है, शिक्षा का कमी नहीं है। ये सब को ठीक करेंगे, ये सब को दुरुस्त करेंगे। दुरुस्त करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। दुरुस्त करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो इस क्षेत्र के लिए क्या क्या करेंगे? ये क्षेत्र के लिए करेंगे। बोलिए। चुनाव, अगर चुनाव जीतते हैं तो क्या क्या काम करेंगे? अधूरा हुआ काम को पूरा करेंगे। ठीक है। और जो विवाह भवन, हर पंचायत में विवाह भवन बनाएंगे, हर पंचायत में विवाह भवन बनवाएंगे। अच्छा, शिक्षा में? शिक्षा में सुधार करवाएंगे। ठीक है। और जो हर पंचायत में सड़क नाला बनाने की कोशिश कीजिएगा कि नहीं? हाँ, करेंगे जरूर। सड़क एवं नाला भी बनाएंगे, सड़क नाला सब। हर पंचायत में विवाह भवन भी बनाएंगे। हर पंचायत में जो लोगों को नहीं मिलता, राशन कार्ड नहीं बनता है, मुखिया से घर का बनवाएंगे। जिसका हर पंचायत में मरेगा के तहत लोगों को रोजगार, तहत के लोगों को रोजगार देंगे, दिलवा देंगे। उसके अलावा खेल कूद का मैदान हर पंचायत के अलावा खेल कूद का मैदान हर पंचायत में बनवाएंगे। ठीक है। और महिलाओं को रोजगार दिलाएंगे। महिला सुरक्षा पर काम करेंगे। महिलाओं में हर माह में एक बार जनता दरबार लगवाएंगे, उनकी समस्या सुन, और जो भी समस्या होगा उसका सुनवाई जरूर करेंगे। और जनता का विकास, हर पंचायत का विकास करेंगे। इस क्षेत्र के लिए युवाओं का विकास के लिए, विकास के लिए काम, रोजगार के लिए काम करेंगे, रोजगार के लिए काम करेंगे। मैं चिकित्सा का एक हॉस्पिटल विधायक के घर जाकर बनवाने की कोशिश करेंगे, विद्यालय भी निरीक्षण करने जाएंगे आप, जहाँ पढ़ाई नहीं होगी। हाँ, वहाँ जाएंगे जरूर। जात पात की राजनीति कोई नहीं, कोई जात पात नहीं, कोई नहीं। घुसखोरी कुछ नहीं, कोई घुसखोरी नहीं, नहीं कुछ नहीं। ईमानदारी से काम करेंगे, घुसखोरी नहीं देंगे। चलिए, पांच काम फिर से जल्दीबाजी में। क्षेत्र में क्या क्या काम करेंगे? क्षेत्र में रोजगार, पांच काम, अधूरे कार्य को पूरा करेंगे। ठीक है। और शिक्षा को दुरुस्त करेंगे, महिलाओं को रोजगार दिलाएंगे, और चिकित्सा हॉस्पिटल बनवाएंगे। ठीक है। और ये मनरेगा के तहत रोजगार देंगे, महीने में एक बार जनता दरबार भी लगाएंगे। हाँ, एक बार जनता दरबार लगाएंगे। चलिए, अब एक बार
मुझे इस क्षेत्र के जनता जिता कर देखें, हमें जिताबे, हम विकास करें, हम विकास करें, कोई कसर नहीं छोड़ें, विकास में कोई कसर नहीं, विकास में कोई कसर नहीं रहेंगे। क्या नाम है आपका? उदेश पासवान। क्षेत्र संख्या? जिला परिषद पूर्वी क्षेत्र संख्या कितना? 31 संभला प्रखंड के। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।